मोरबी के आसपास में करीबन 700 सिरेमिक फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें यहाँ पे लोग वोल टाइल, फ्लोर टाइल, विट्रीवेट टाइल और सैनिटरीवेयर वो सभी प्रोडक्शन करते हैं। छोटी से छोटी फैक्ट्री है वो करीबन 25 करोड़ की है और सबसे बड़ी फैक्ट्री 300 करोड़ रुपए की है और यहाँ पे करीबन 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर है। पूरे इंडिया में जितना भी सिरेमिक प्रोडक्शन होता है उनका 90% सिर्फ मोरबी में होता है। वो स्केल में इंडस्ट्रीज आज की डेट में मोरबी में डेवलप हुई है, पिछले 4-5 सालों में जो ग्रोइंग है उसके हिसाब से गवर्नमेंट के जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है और ख़ास करके लेबर को जो पीने की पानी की सुविधा है वो एक्सपेक्टेशन से हिसाब से नहीं मिली है। और वो एक इतना बड़ा जब टैक्स इंडस्ट्रीज़ पे करती है तो वो मेरे हिसाब से वो एक जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलेंगे, पाया की ज़रूरत है, रोड और पानी। पूरे इंडिया से ट्रक्स वगैरह आते जाते रहते हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, रेडीमेड जो प्रोडक्ट है उनको ले जाने के लिए, तो उनके हिसाब से रोड काफ़ी ख़राब है। वो रोड यहाँ पे अच्छी तरह से गवर्नमेंट बनाती नहीं है और जितने टाइम में वो रोड बनती है उतने टाइम तक टिकती नहीं है, यानी इंडस्ट्री को वो प्रॉब्लम कंटिन्यू फेस करना पड़ता है। ट्रक लेके निकलता है तो खाबड़ खुबड़ रास्ता होने से कई बार उसमें ब्रेकेजिंग का इश्यू ज़्यादा आता है, जो उसकी कॉस्टिंग है वो कस्टमर को ही कहीं ना कहीं पे करनी पड़ती, चाहे वो एक बार फैक्ट्री पे करे या डीलर पे करे। कोयले में से जो गैस बनाते हैं उनको कोल गैस बोलते हैं, वो यूज़ करते हैं। अभी गवर्नमेंट जो हमें गैस दे रही है वो गैस काफ़ी महंगी है, उनसे पोल्यूशन कम होता है। ये जो कोल गैस है उनसे थोड़ा पोल्यूशन ज़्यादा है। फ्यूल जो है इंडस्ट्रीज़ के लिए वो बहुत बड़ा मायने रखते हैं। आज चाइना को हमने बीट किया है, आगे जाके हम यूरोपियन कंपनीज जो है मतलब स्पेन वगैरह की इटालियन कंपनी उनको भी बीट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो निर्भर होती है फ्यूल पे, तो जो फ्यूल है उसमें कोई कटौती गवर्नमेंट की ओर से हुई नहीं है, दरअसल वो होनी चाहिए। आज अगर आप अदर कंट्रीज की बात करेंगे तो वहाँ पे जो फ्यूल है गैस जो है वो बहुत कम रेट में है। इस हिसाब से कम कर दे कि जो दूसरे रास्ते से लोग गैस डेवलप कर रहे हैं उनके बराबर हो जाए, तो इंडस्ट्रीज़ को दूसरे रास्ते पे जाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर कोल गैस यूज़ करने से जो उनका बचा हुआ जो लिक्विड निकलता है उनको कहीं ना कहीं डालने के लिए भी ये जो प्रॉब्लम होता है वो रहता है। इस इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट के पास लैंड भी एक्वायर करने के लिए काफ़ी टाइम से अप्लाई कर दिया है कि हमें एक ऐसी लैंड दीजिए जिसमें हम वो जो लिक्विड होता है कोल गैस यूज़ करने के बाद जो निकलता है उनको हम रिसाइकल कर सकें, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम आज की डेट में भी चाइना को बीट करते, इतना एक्सपोर्ट होता है, इसका मतलब चाइना के साथ फाइट ले ही रहे। लेकिन उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है एक्सपोर्ट रिलेटेड या डोमेस्टिक रिलेटेड, तो दो तरीके से है कि डोमेस्टिक में ज़्यादातर मटेरियल अपना बाय रोड जाता है, उसको अगर पर्टिकुलर फोकस बना के बाय सी अगर उसको ट्रांसपोर्टिंग हम करते हैं तो जो लॉन्ग डिस्टेंस सेंटर है, जैसे यहाँ से आपको केरला मटेरियल भेजना है या टुटीकुरिन भेजना है या विशाखापट्टनम भेजना है, तो विशाखापट्टनम और गुजरात आमने सामने दो भारत का पार्ट है, तो अगर वो बाय सी जाते हैं और बाय रोड जाते हैं तो 50% प्राइस कॉस्ट डाउन होता है। गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत सपोर्ट ये करना है कि मान लो यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मुंद्रा पहुँचाने के लिए हमको कम से कम 17,500 रुपीज़ पर कंटेनर का खर्चा आता है, यहाँ से कुछ ऐसा कर दे कि ट्रेन की पटरी हो मोरबी तक, यहाँ से कंटेनर मिनिमम रेट में वहाँ पहुँच जाए, तो हमारी कोट करने की जो अमाउंट आती है ना वो अपने आप कम हो जाएगी, हम दूसरी कंपनियों को बीट कर पाएंगे लाइक चाइना को, इटली को, स्पेन को, और हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट जो है कम आ जाएगी, हम काफ़ी सारा पैसा बाहर से यहाँ ला सकते हैं। एक्सपोर्ट जो होता है वो कंडला और मुंद्रा पोर्ट से ज़्यादातर होता है, लेकिन मोरबी से बिल्कुल नज़दीक में 60 किलोमीटर पे नौलखी पोर्ट भी है जो ज़्यादातर कोल इंपोर्ट करने में ही वो पोर्ट का यूज़ किया जाता है। अगर वही पोर्ट को कांडला और मुंद्रा की तरह डेवलप किया जाए तो करीब करीब हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग मेन इश्यू है जो यहाँ से कांडला 250 किलोमीटर है, तो उसमें हम 20 एक कंटेनर पे 20,000 से 25,000 रुपये तक सेविंग हो सकता है, जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी के अंदर
बहुत मायने रखता है। यहाँ पे जो भी ग्रोथ हुआ है वो एक कम्युनिटी ने किया है, एक समाज ने किया है, या तो लोगों ने अपने दम पर किया है। हाँ, गवर्नमेंट से कुछ लोन वगैरह लिए हैं तो वो ठीक है कि भाई वो लिए हैं और इनके इंस्टॉलमेंट वो लोग पे कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ तो नहीं दिया इंडस्ट्रीज़ को। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है।